हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पीटीटी का रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीटी की काउंसलिंग किस प्रकार से आप लोगों को करवाना है, नज़दीक कॉलेज कैसे मिलेगा, जिन बच्चों के 200 नंबर हैं उन बच्चों को नज़दीक कॉलेज कैसे मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन में क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिन बच्चों ने पीटीटी का पहली बार फॉर्म फिल किया हो, पहली बार एग्ज़ाम दिया है और उन बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक हो गया है और उन बच्चों को काउंसलिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल रियल और सटीक जानकारी काउंसलिंग के विषय में दी जाने वाली है। यानी कहने का मतलब यह है कि काउंसलिंग शुरू होने से कॉलेज अलॉटमेंट तक की पूरी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो जो नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन बच्चों के 200 नंबर हैं तो कम नंबर वाले बच्चे क्या करें। जिन बच्चों के 200 नंबर हैं तो कम नंबर वाले बच्चे क्या करें। अगर आपके 200 नंबर हैं और आप काउंसलिंग में भाग जरूर लीजिए, सबसे पहले आपको करना होगा पास के वो 9 कॉलेज और आपको लगता है कि वह आपके आसपास ही हैं, 1 किलोमीटर के एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया में या 10 किलोमीटर के एरिया में, ऐसे 9 कॉलेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। 9 कॉलेज पर क्लिक करने के बाद 10वां जो कॉलेज आप लेंगे, 10वां कॉलेज लेने के लिए आपको ऑल राजस्थान सिलेक्ट करना होगा। जब आप ऑल राजस्थान सिलेक्ट कर लेंगे तो उनमें से आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके नंबर चाहे 200 हों या फिर 250 नंबर हों, आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, ठीक है, काउंसलिंग में आपको हिस्सा लेना है। काउंसलिंग की जो फीस होती है वो होती है 5,000 रुपये। मान लीजिएगा आपको आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी फ़ीस भी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड होकर वापस आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें से 200 रुपये काटे जाएंगे और 4,800 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो यहाँ से आपका डाउट्स क्लियर हो जाता है। रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों के कम नंबर हैं वह बच्चे काउंसलिंग जरूर करवाएं और जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं वह काउंसलिंग कैसे करवाएं और उन लोगों को क्या क्या करना होगा, ये भी पॉइंट है। तो देख लीजिए काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग प्रक्रिया जो है आपकी लगभग 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है इससे पहले आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाए और 3 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन एक चालान डाउनलोड करना होगा, फिर आपको 5,000 रुपये फ़ीस जो है वो सबमिट करनी होगी, फिर आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएँ। यानी फ़ी जमा करने के बाद आप काउंसलिंग का हिस्सा बन जाएंगे। काउंसलिंग का फॉर्म भरते समय आपके पास जो आपके आसपास कॉलेज हैं उनको भरवाया जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया जैसे कि आपके नंबर कम हैं, ठीक है, आपके नंबर कम हैं तो जिन बच्चों के नंबर कम हैं 9 कॉलेज ऐसे चूज़ करिए, आपकी 2 किलोमीटर के एरिया में हो, 5 किलोमीटर के एरिया में हो, 10 किलोमीटर के एरिया में हो, ऐसे 9 कॉलेज चूज़ करिए। अगर हम 10वें कॉलेज की बात करें तो 10वां कॉलेज ऑल राजस्थान आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, कोई ना कोई कॉलेज आपको हर हाल में मिल जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर कम हैं वह बच्चे भी काउंसलिंग में भाग जरूर लें। करना कुछ भी नहीं होगा, आपको कॉलेज भरना होगा और आपके आसपास जो भी कॉलेज हैं उन्हें चूज़ करना होगा। अब हम बात करें जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं, मान लीजिए आपके 400 से 450 के बीच में आपके नंबर आ गए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके 420 से 400-450 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो उस स्थिति में आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो 3 कॉलेज ऐसे चूज़ करिए, 3 कॉलेज ऐसे चूज़ करिए जो आपके आसपास हों, यानी कि आपके घर के आसपास हों। कहने का मतलब है आधा किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया में, आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। 3 से 4 कॉलेज सेलेक्ट करिए, आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपके 450 भी नंबर हैं या फिर 420 भी नंबर हैं आपके, आपको सरकारी कॉलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जिन बच्चों ने टॉप किया है पीटीटी में उन बच्चों के 480 नंबर हैं, किसी के 475 नंबर हैं। आपको देखिएगा जिन बच्चों ने टॉप किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कॉलेज जो है सरकारी कॉलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा।
अगर मान लीजिए आपको कॉलेज आपके मन मुताबिक नहीं मिला और आपके नंबर भी अच्छे हैं, तो उस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट का यूज कर सकेंगे, ठीक है। जिन बच्चों के 400 से 450 नंबर है और जिन बच्चों के कम नंबर हैं, देखिए चार लिस्टें जारी की जाती हैं। मान लीजिए आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं होता है, दूसरी लिस्ट में नाम नहीं होता तो तीसरी लिस्ट में जरूर होगा नाम आपका, तीसरी लिस्ट में तो चौथी लिस्ट में तो जरूर नाम आपका होगा। तो चार लिस्टें जारी की जाती हैं पीटीटी की तरफ से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अपवर्ड मूवमेंट भी आप कर सकते हैं उस स्थिति में, अगर आपको मान लीजिए आपको दूर कॉलेज मिल रहा हो, दूर कॉलेज आपको मिला तो उस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर उस कॉलेज में सीटें खाली होंगी तो आपको वो कॉलेज आसानी से मिल जाएगा और जो आपने फ़ीस जमा की होगी दूसरे कॉलेज में, वो फीस अपने आप ट्रांसफ़र होकर उस कॉलेज में चली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे काउंसलिंग की फ़ीस क्या होती है। काउंसलिंग की फ़ीस होती है 5,000 रुपये। अगर आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं और आपको कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो यह फ़ीस आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज चुनने के लिए एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक पर क्लिक करके आपसे कॉलेज की फ़ीस भरवाई जाएगी। यह फ़ीस रहेगी आपकी 27,000 रुपये। काउंसलिंग के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद कॉलेज की जो फीस होती है वो होती है 27,000 रुपये, ये आपको ध्यान में रखना है। फीस भरने के बाद एक ऑप्शन दिया जाता है अपवर्ड मूवमेंट का, इसकी जगह छात्र नज़दीक कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ीस भरनी नहीं होती है, अपने आप दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना, अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो काउंसलिंग को लेके तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, रिप्लाई देने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है और काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, डेली मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देता ही रहता हूँ। अगर हमको कोई भी नई जानकारी मिलती है वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो जो नए बच्चे जो हैं और जिन लोगों को नहीं पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, काउंसलिंग का शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इत्यादि। देखिए गाइस, 27,000 जो फीस होगी आपकी ये कॉलेज फीस होगी और 5,000 रुपये जो आपकी होगी ये आपकी काउंसलिंग की होगी, यानी कहने का मतलब है टोटल फीस हो जाती है आपकी 32,000 रुपये, ठीक है। टोटल फीस हो जाती है आपकी 32,000 रुपये। अगर आप चाहते हैं ये टोटल फीस हमारी वापस आ जाए तो उसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास बनवाना होगा। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं है तो चल जाएगा, अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र लगाना होगा तो वो काम कर जाएगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए इसके बारे में जानकारी कर रहा हूँ, जैसे ही जानकारी हमको मिलेगी तो अगले वीडियो में आय प्रमाण पत्र के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा, ठीक है। तो काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।